तो जय हिंद सिवे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि सीबीएसई के लिए बहुत सारी गुड न्यूज जो है आज के निकल करके सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज है 25 जुलाई 2021, और दोस्तों आज आप लोगों के रिजल्ट 5 बजे फाइनलाइज कर दी जाएगी, क्लास 12 के रिजल्ट। दोस्तों, जारी कब तक की जाएगी ये सारी बात आज की इस वीडियो में करने वाला है। वीडियो को पूरी देखते रहिए। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे आपके हमेशा जेन्युइन कंटेंट मिलता है, ठीक है ना। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपकी एग्जामिनेशन के रिजल्ट जो आने वाले हैं, तो आज है 25 जुलाई और आज आपके क्लास 12 के रिजल्ट फाइनलाइज कर दिए जाएंगे। दोस्तों, रिजल्ट आने में लेट क्यों हो रहा, लोगों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा। तो रिजल्ट आने में लेट इस कारण से हो रहा है कि आपके रिजल्ट तैयार तो कर ली गई थी, लगभग 25 तारीख तक वो अपलोड करके पब्लिश भी कर दी जाती, लेकिन दोस्तों बात ये बीच में आ गई थी कि लगभग 35,000 स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो अच्छी तरीके से नहीं किया गया था। लगभग मतलब 95% से अधिक मार्क्स जो है ऐसे स्टूडेंट जिनके जो आपके जो क्राइटेरिया है, यानी कि 11th में एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं वो बहुत ही कम थी, फिर भी उसके मार्क्स को अधिक बढ़ा दिया गया था, यानी कि ज्यादा ज्यादा मार्क्स देकर के उनको जो है दे दिया गया था, ठीक है ना। इस कारण से आपकी रिजल्ट देने में थोड़ी सी डिले कर दी गई थी सीबीएसई की तरफ से, यानी कि फिर से उसे सौंपा गया स्कूल को, और स्कूल वाले फिर उसको अच्छे तरीके से मार्क्स को फिर से कस्टमाइज करके सीबीएसई को आज 5 बजे लास्ट डेट है, यानी कि सॉरी आज हाँ 25 तारीख को 5 बजे तक लास्ट टाइम है, 5 बजे उसे अपलोड कर दी जाएगी, 5 बजे मतलब सौंप दी जाएगी सीबीएसई को, और सीबीएसई वाले उसे धीरे धीरे 1-2 दिन में उसे अपलोडिंग कर दी जाएगी उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां से आप लोगों का रिजल्ट एक साथ पब्लिश कर दिया जाती। देखिए दोस्तों, अगर रिजल्ट को अलग अलग तरीके से पब्लिश की जाती तो स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा सवाल उत्पन्न हो जाता, और देखिए 35,000 स्टूडेंट का अगर रिजल्ट नहीं आता, अगर उसमें से आप ही होते तो आपको कितना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता, समस्याएं तो आपको आती। तो इसी कारण से दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट एक साथ आए, देर आए दुरुस्त आए, ये चीजें जो है वो सीबीएसई जो है वो उसका पालन कर रही है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट आया। आपने देखा कि आईसीएसई का रिजल्ट जो जारी किया गया है और आईएससी का रिजल्ट जारी किया गया है, बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आए, 99% अबव मार्क्स आए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसी तरीके से आपके सीबीएसई के रिजल्ट भी इस बार जारी करने वाला है सीबीएसई, ठीक है ना दोस्तों। तो बिल्कुल मस्त रहिए। मैंने आपको डेट बताया कि सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट 31 जुलाई को रिजल्ट आपके जारी किए जाएंगे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दबाव है। उसके बाद दोस्तों बात की जा रही, क्योंकि देखिए 12 वालों को बहुत सारी जगहों पे एडमिशंस करवाने होते हैं, और देखिए 10 वाले को भी करवाने होते हैं, लेकिन 11th क्लास में करवाएंगे वो, तो 11th क्लास के पोर्टल भी खुले भी नहीं है बहुत सारी जगहों पे, और आपके एडमिशंस हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं एडमिशन नहीं होंगे, लेकिन 12 वालों को आपको जैसे कि किसी को IIT में जाना है, किसी को नीट में जाना है, यानी नीट से जैसे कि MBBS करना है, तो बहुत सारी जगहों पर एडमिशन उनको करवाने होते, इसलिए उनके रिजल्ट पहले जारी किए जाएंगे। 1-2 दिन बाद क्लास 10 के रिजल्ट भी लगभग 1 या 2 अगस्त आपके चले जाएंगे, तो 1 या 2 अगस्त को उसके रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन 31 जुलाई को कंफर्म आपके 12 के रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सॉरी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया हूं, उस वीडियो को जाकर देखिए, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग वहां पे डाल दिया है। डिले मतलब 5 दिन और बचा हुआ, 5 दिन में आपके रिजल्ट कंफर्म आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि कल ही रिजल्ट आपका आ जाएगा, और बहुत सारी जगहों पर ऐसा अगर बताया जा रहा तो वो चीजें गलत है, ठीक है ना। तो रिजल्ट कब आएगा मैंने आपको यह बात बताया। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।